कैंसर के पेशेंट्स हैं वो अपना आयुर्वेद को कैसे अपनाएं और उसका कैसे बेनिफिट उठाएं ये मैं आपको बताऊंगी। जो भी कैंसर के पेशेंट्स हैं उनको कहीं भी कैंसर है बॉडी में और वो कोई भी कन्वेंशनल ट्रीटमेंट रेडियोथेरेपी कीमोथेरेपी या फिर कुछ ओरल मेडिकेशंस ले रहे हैं वो उसको कंटिन्यू रखें, लेकिन उसके साथ साथ आयुर्वेद को भी जोड़ें। सुबह उठ के तुलसी के 10 से 11 पत्ते दही में चटनी मिला के खाएं और इसके साथ साथ गेहूं के जवारे का रस पिएं जो उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा, उनकी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, यानी कि जो उनकी बॉडी की कैंसर से लड़ने की क्षमता है उसको थोड़ा बढ़ाएगा। तो कैसे इस्तेमाल करें गेहूं के जवारे वो मैं आपको बताती हूँ। या तो आप 7 गमले ले लें और उसमें रोज़ एक एक दिन करके गेहूं बो दें और उनको डे वाइज, फिर जब वो 7 दिन बाद वो जब पूरा हो जाए उसमें जवारे अच्छे से निकल आएँ तो आप उसको काटें, अच्छे से धोएं, थोड़ा पानी मिला के मिक्सी में चर्न करें और उसको छान लें। तो ये तैयार हो गया आपका गेहूं के जवारे का रस। इस रस को आप सुबह खाली पेट लेंगे तो आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव होगी। अगर आप 7 गमले नहीं लेना चाहते तो अपने घर के किसी भी कॉर्नर पे थोड़ा सा कच्चा जगह है उसमें इकट्ठे गेहूं बो दीजिए और सुबह उठ के एक गिलास जितना रस तैयार हो जाए उतने काटिए और उसका पानी बना के उसको पीजिए। तो इससे आपकी बॉडी जो है कैंसर के जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट्स हैं उनके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उससे भी उसको आराम से झेल पाएगी क्योंकि ये शीतल होते हैं।